नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा सीधी के बीच बने वर्ल्ड क्लास मोहनिया टनल फूटी। ऊपर बह रही बाणसागर नहर का पानी भी टनल में भर गया। इसे नेशनल हाईवे 39 पर 2 घंटे यातायात बंद रहा। पानी देखते ही देखते आसपास के इलाकों में भी भरने लगा। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। रात में ही नहर में सप्लाई बंद करनी पड़ी। शुक्रवार सुबह पानी निकल जाने के बाद टनल को फिर से चालू किया गया। इस टनल का उद्घाटन करीब 9 महीने पहले 10 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। गुड़ थाना सब इंस्पेक्टर प्रवीण उपाध्याय ने बताया कि बाणसागर की मुख्य नहर फूटने से टनल में पानी भरने की सूचना चुरहट बॉर्डर से मिली थी। मोहनिया टनल में पानी भरने की जानकारी मिलते ही चुरहट विधायक सरदेंदु तिवारी, सीधी कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। टनल से आवागमन बंद कराया गया। अफसरों ने शहडोल जिले के देवलौंद स्थित बाणसागर बांध के अधिकारियों से रात 12 बजे बात की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और बाणसागर के अधिकारियों ने तय किया कि नहर का पानी डायवर्ट हो जाए तो टनल को खतरा टल जाएगा। इसके बाद जेसीबी की मदद से हाईवे के नीचे से जाने वाले कैनाल में पानी डायवर्ट किया गया। अफसरों ने बताया कि डायवर्जन के बाद पानी करीब 4 से 5 घंटे तक बहता रहा। पानी पूरी तरह से खाली होने में सुबह हो गई। इसके बाद भी पानी रुक रुक कर कैनाल के रास्ते नदी में जाता रहा। नहर फूटने की जानकारी मिलते ही टनल के मुख्य द्वार पर अफसरों और नेताओं की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक से बाणसागर का पानी जब टनल में आया तो ऐसा लगा जैसे कि बाढ़ आ गई हो। वर्ल्ड क्लास टनल के ऊपर बनी नहर के फूटने से बाणसागर विभाग के जिम्मेदारों की दावों की पोल खुल रही है। वहीं सागर में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी बेटी, बड़े भाई और भतीजे को गोली मार दी। भाई और भतीजे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और बेटी के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली मारने की वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। घटना ढाना के पास लालेपुर ग्राम की है। रिटायर्ड फौजी राम आधार तिवारी ने अपनी बेटी वर्षा 24 वर्ष, बड़े भाई राम मिलन तिवारी 62 वर्ष और भतीजे अज्जू 36 वर्ष को गोली मारी है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।